क्या हुआ? कुछ नहीं। इधर देखो, ये तुम्हारे चेहरे से मुझे क्यों लग रहा है कि तुम खफा हो बहुत ज्यादा? उर्वा के अब्बा, लोग बेटों की शादी करते हैं ताकि उनका बेटा खुश रहे, उनके माँ बाप खुश रहे। मैं तो खुश हूं। मैं तो खुश नहीं हूँ, ना ही उर्वा। उर्वा खुश क्यों नहीं है इसका तो मुझे अंदाजा है, लेकिन सकीना तुम खुश क्यों नहीं हो इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। लोग बहू लेकर आते हैं ताकि सास को थोड़ा सा सुकून मिले। एक मेरी बहू है, पड़ी अभी तक सो रही है। अच्छा ये बताओ, बच्चियां कहाँ हैं मुजम्मिल और खुर्शैद? मैं आपसे कुछ कह रही हूँ और आप मुजम्मिल और खुर्शैद की बात पूछ रहे हैं। जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो, दोनों कहाँ हैं? स्कूल गई हैं इस वक्त, और कहाँ होंगी? हाँ, स्कूल। तो सकीना बेगम, अमीना की उम्र भी स्कूल जाने की, और मैं सोच रहा हूँ कि उसे स्कूल में दाखिल करवा दूँ ताकि वो अपनी तालीम मुकम्मल कर। लो, अब बेटियों के साथ साथ बहू की खिदमत भी मुझी को करनी पड़ेगी। क्या बहू बहू लगा रखा है तुमने, बेटी समझो उसे। अगर उसे बेटी समझोगी तो ना उसका स्कूल जाना बुरा लगेगा तुम्हें, और ना यूं देर तक सोना। कोई जरूरत नहीं उसे स्कूल में दाखिल कराने की, उसे घरदारी सीखनी चाहिए, काम सीखना चाहिए जो आगे उसके काम आएगा। इरफान और जुबैदा ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं। जो मैंने सोच लिया है ना वो होकर रहेगा। अमीना स्कूल जाएगी और तुम इस मामले में बिल्कुल नहीं बोलोगे। मेरी क्या मजाल है जो मैं आपके मामले में बोलूं? कर लें अपना शौक पूरा, मुझे नहीं लगता कि वो पढ़ाई की शौकीन है। वो उठे तो उसे मेरे पास भेजो, चाय डालकर दो। जी अच्छा।